Welcome students, in this video we will start the second chapter is matter around us pure, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर एक फिजिकली प्रॉपर्टी में क्या क्या उसका संभवता मतलब उसका मिक्सचर और टाइप्स कितने प्रकार के पाए जाते हैं और उसका प्योरिटी इम्प्योरिटी उसका परसेंटाइल कॉम्बिनेशन ये सब हम लोग देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे इस पर तो हम लोग धीरे धीरे करके देखते हैं। तो मैटर अगर हम लोग देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में एक मिक्सचर फॉर्म में मिलता है, कोई भी प्योर नहीं है। अगर मैटर हम लोग जो भी देखते हैं जैसे सोना चांदी वगैरह वगैरह कुछ प्योरिटी है उनमें, लेकिन वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो भी मिक्सचर के रूप में मिलते हैं। तो उनको हम लोग प्योर करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग धातु को अलग करने का क्रिया बहुत अच्छे अच्छे प्रोसेस से हम लोग गुजारते हैं, तो हम लोग पूरी तरह से मैटर को प्योर कर पाते हैं। तो हम लोग मैटर एक मिक्सचर के तौर पर पढ़ते हैं। तो कोई भी शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस एक ही तरह के एलिमेंट से एक ही तरह के कणों से मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल्स कहिए या एटम कहिए। अगर एलिमेंट अगर है तो वो एटम से मिलकर बना होता है, और अगर कंपाउंड है तो वो मॉलिक्यूल से होकर बनेगा। यानी कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पूरा का पूरा सोडियम क्लोराइड NaCl से ही बना होगा, उसमें कोई और तीसरा तत्व तो मिलने नहीं जा रहा है। तो प्योरिटी एक अलग फॉर्म होता है, प्योरिटी हैज सेम पार्टिकल्स। ओके, नाउ मिक्सचर। मिक्सचर हम लोग के सामने बहुत सारा दुनिया में जितना भी चीज हम लोग देखते हैं लगभग सारे के सारे मिक्सचर फॉर्म में है। जैसे हम लोग कोई भी ड्रिंक लें, शरबत बनाएं, या हम लोग दूध ले लें, कोई भी चीज़ मिक्सचर फॉर्म में है। मिक्सचर फॉर्म उसको कहते हैं जैसे कि कोई सब्सटेंस एक या एक दो दो से अधिक बहुत सारे सब्सटेंस को मिलाकर बहुत सारे अधिक प्योर एलिमेंट्स को मिला करके जो बनता है उसको मिक्सचर कहते हैं। कंपाउंड मिले होते हैं, एलिमेंट भी मिल सकते हैं, तो वैसे चीज़ को हम लोग कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर दो तरह से मिलते हैं हम लोग को, या तो वो होमोजेनियस होंगे या तो वो हेट्रोजेनियस होंगे। होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में हम लोग देखते क्या है कि सारे में सारे अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, अगर कोई सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट पूरी तरह से अगर घुल जाता है और हर एक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट का सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट कर जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। यानी उसी जगह पे हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसमें उस मिक्सचर में सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कोई कहीं मिक्सचर रेशियो फिक्स नहीं होता है, कहीं पे कुछ मिल देता है। जैसे दूध, दूध में कैल्शियम अलग रेशियो में है, उसमें विटामिन डी अलग मात्रा में है, बहुत सारे मात्रा ऐसे ऐसे हैं जो कि अलग अलग शो करते हैं, तो उसमें कंसंट्रेशन अलग अलग होता है सभी का। लेकिन होमोजेनियस में क्या होता है, कंसंट्रेशन लगभग सभी का सेम रहता है हर पॉइंट पे। तो होमोजेनियस मिक्सचर का अगर डायरेक्ट एग्जाम्पल लें तो हम लोग देखते क्या है कि सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन दो या दो से अधिक सब्सटेंसों को मिला करके बनता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर है वो सॉल्यूशन, जैसे नींबू का पानी, सोडा वाटर, ये सब सॉल्यूशन है। इसमें हर एक पॉइंट पे उसका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो होगा वो फिक्स होगा, हर जगह सेम होंगे। इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि हम एक सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्वेंट पदार्थ के रूप में अगर सोचते हैं जैसे कि सॉलिड लिक्विड और गैस मिले हों, तो उसमें नेचर वाइज ठोस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और गैसीय सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, गैस सॉल्यूशन। केवल कोई जरूरी नहीं कि लिक्विड सॉल्यूशन भी हो। जैसे अगर हम लोग मिश्र धातु का नाम सुने होंगे यानी कि एलॉयड, तो एलॉयड में क्या होता है कि बहुत सारे मेटलॉयड मेटल को मिला करके हम लोग बनाते हैं एलॉय। तो एलॉय एक फिक्स रेशियो में मिलाते हुए
मेटल्स को हम लोग बनाते हैं एक नया मेटल जिसको हम लोग एलॉय कहते हैं। उसी तरह से गैसीय सॉल्यूशन में अगर देखें तो वायु, वायु में अगर कार्बन का मात्रा 0.05% है तो हर जगह वो 0.05% ही होगा। अगर नाइट्रोजन 78% है तो हमेशा वो 78% ही रहेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं होने जाना है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सैंपल को लें तो। नहीं, उसी जगह पे अगर हम लोग हेटरोजीनियस मिक्सचर को लें तो वहाँ पे बदलता चला जाएगा, कुछ अलग सैंपल लेंगे, कुछ अलग 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 जगह का अलग अलग सैंपल पे अलग अलग हम लोग का एनालिसिस हो पाएगा, उसमें अलग रेशियो निकलते चला जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और हेटरोजीनियस मिक्सचर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हम लोग के सामने, दूध वगैरह है, ये सब सब क्या है हम लोग के सामने, ये हेटरोजीनियस मिक्सचर है। अब ये एलॉय क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु होता क्या है कि दो या दो से अधिक प्योर हम लोग धातु जो रखते हैं उसको मिला करके, धातु भी हो सकते हैं अधातु भी हो सकते हैं मिलाने के तौर पर। तो जब दो या दो से अधिक धातु और अधातु को हम लोग मिक्स करते हैं तो मिश्र धातु बनता है। मिश्र धातु में हम लोग उसको सॉल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। इसको एक इजली वे में सेपरेट नहीं किया जा सकता, ऐसा मिश्रण होता है, क्योंकि ये अपने घटकों के अपने कंपोनेंट्स के हर गुण को दर्शाते हैं। जैसे पीतल, पीतल में जिंक 30% और कॉपर लगभग 70% का वो मिक्सचर होता है पीतल ब्रॉन्ज। कोई भी सॉल्यूशन हो उसका दो पार्ट होता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का दो पार्ट, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल को डिजॉल्व करने की कैपेसिटी होती है, और सॉल्यूट पार्टिकल कैसे होते हैं वैसे चीजों को ही कहेंगे जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो पाए। तो एक दूसरे का वो कंप्लीमेंट है, अगर सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो पाएगा तो सॉल्वेंट का कोई महत्व नहीं रहता है, और सॉल्वेंट सॉल्यूट को अगर डिजॉल्व नहीं कर पाए तो भी सॉल्यूट का कोई महत्व नहीं है। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो किसी भी सॉल्यूशन का दो भागों में सॉल्वेंट यानी कि विलायक और सॉल्यूट विलय में बांटा जा सकता है। सॉल्यूशन का ये कंपोनेंट जिसका मात्रा सबसे ज्यादा होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसका मात्रा कम होता है मोटे तौर पे हम लोग कह सकते हैं उसको हम लोग कहेंगे सॉल्यूट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लें शरबत, तो चीनी और शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन मिलता है वो एक सॉल्यूशन बनता है। क्यों? चीनी का हर एक मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ जाके एसोसिएट हो जाता है, यानी कि हर पॉइंट पे मिठास वही रहेगा, फिक्स रेशियो, कहीं कोई कम बेसी नहीं। आयोडीन और अल्कोहल का भी सॉल्यूशन उसी तरह का मिल जाएगा जिसे हम लोग टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं, टिंचर, जिसमें आयोडीन सॉल्यूट पार्टिकल्स का बिहेव करता है और अल्कोहल सॉल्वेंट का। उसी तरह से हम लोग सोडा वाटर भी जो लेते हैं, चाहे या कोक लेते हैं, ड्रिंक लेते हैं, तो उसमें भी गैस के रूप में आपका क्या होता है, सॉल्यूशन मिलता है। तो उसमें जो गैस होता है वो सॉल्वेंट होता है, और उसमें जो सोडा मिला होता है तो वो क्या है आपका, सॉल्वेंट। वायु गैसेस में हम लोग गैस को का विलयन उसको कह सकते हैं। ये मेनली क्या है, 21% आपका ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन का, वो एकदम होमोजेनियस मिक्सचर है वायु, इसमें हेटरोजेनियस का कोई बात ही नहीं है। नाइट्रोजन को इसमें कह सकते हैं सॉल्वेंट के रूप में, और बाकी सबको सॉल्यूट पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। सॉल्यूशन के अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो सॉल्यूशन का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। इसका पार्टिकल्स का अगर हम लोग डायमीटर देखें तो 1 नैनोमीटर यानी 10^-9 मीटर होते हैं, से भी छोटे हो सकते हैं, वो नेक्ड आई से देखे नहीं जा सकते हैं, ये इनविजिबल होते हैं लगभग। अपने बहुत छोटे आकार के कारण है ना ये सॉल्वेंट का जो पार्टिकल्स है वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, यानी कि प्रकाश अगर आ रहा है कहीं से तो वो अपने अंदर से पार हो जाने देते हैं। इसका मतलब कि उनमें
प्रकाश की किरणों को फैलाने की शक्ति नहीं होती है, यानी कि प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देगा वहां पे। ठीक है, इनको छानने की विधि या सिंपल विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। वो शांत छोड़ने पे, वैसे ही छोड़ देने पे उसको स्टेडी नेचर में, वो स्टील नेचर में वो सॉलिड पार्टिकल बैठते चला जाता है और हम लोग अलग कर सकते हैं। एक्चुअली विलयन अस्थायी होते हैं, सॉल्यूशन परमानेंट बनते हैं, उसमें हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं सिंपली वे में। विलयन की सांद्रता पर अगर बात करें, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन अगर जनरली हम लोग बात करते हैं सॉल्यूट का मात्रा कितना अधिक है या कम, उसी पर बेसिस हम लोग डिस्कशन करते हैं कंसंट्रेशन पे। तो जनरली कंसंट्रेशन किसको कहेंगे, दो शब्द आता है हम लोग के सामने, एक डाइल्यूशन और एक कॉन्सेंट्रेशन। तो डाइल्यूशन का क्या मतलब है और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? अगर कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड पार्टिकल का मात्रा सॉल्वेंट के मात्रा से अगर कहीं थोड़ा बहुत मैच करने लगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉलिड पार्टिकल्स का। लेकिन अगर डाइल्यूशन का बात करें, तो डाइल्यूशन में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, यानी कि सॉलिड पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम। जैसे अगर हम लोग माने कि एक नींबू निचोड़ते हैं एक गिलास पानी में, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा इन कंपेरिजन ऑफ एक ड्राम पानी में एक नींबू निचोड़ने के जैसा। तो एक ड्राम पानी में नींबू निचोड़े तो उसका कंसेंट्रेशन बहुत कम हुआ, क्यों? क्योंकि वहाँ सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन एक गिलास पानी का कंसेंट्रेशन सॉलिड पार्टिकल्स के रेफरेंस में ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन बहुत ही कम है। तो कंसेंट्रेशन अगर हम लोग बेस माने तो सॉलिड पार्टिकल्स को ही मानेंगे, तब हम लोग कम या ज्यादा कह सकते हैं। जैसे एक ड्राम पानी में कंसेंट्रेशन कम है, तो हम लोग वहाँ सॉलिड पार्टिकल्स को ही रेफरेंस लेंगे, यानी कि नींबू के रेफरेंस में बात करेंगे। और एक गिलास पानी में भी नींबू के रेफरेंस में अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि नींबू के रेफरेंस लिए हैं हम लोग। ठीक है, तो जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स का कंसेंट्रेशन कम रहेगा उसको कहेंगे डायल्यूटेड, यानी कि डायल्यूशन, और जिसमें तुलनात्मक रूप से ज्यादा है सॉलिड पार्टिकल्स का कंसेंट्रेशन, तो उसको हम लोग कहेंगे कंसेंट्रेटेड। ठीक है, समझ में आ गया डायल्यूशन और अब हम बात करते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन और मोस्ट सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सेचुरेशन और कुछ नहीं, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। यानी कि सॉल्वेंट में एक कैपेसिटी आती है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को गेन वो डिजॉल्व करने की शक्ति होती है एक निश्चित टेम्परेचर पे। तो उस टेम्परेचर पे अगर उसमें वो क्षमता अगर है सॉलिड पार्टिकल्स को डिजॉल्व करने का, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो एक खास एक ऐसा पॉइंट जहां पे सॉलिड पार्टिकल्स अब डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो पहले उसको समझना है। सॉलिड पार्टिकल्स अब इसमें नहीं अगर मिक्स हो पाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स अब इसमें नहीं घुल सकता है, यानी कि ये सेटिस्फाइड है, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स अब उसके रेफरेंस में सॉल्वेंट सेटिस्फाइड है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन एक ऐसा पॉइंट, अगर उसका सैचुरेशन से थोड़ा कम है अगर कंसेंट्रेशन सॉलिड पार्टिकल्स का, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स अब और मिलने के लायक है, सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि इसमें सॉल्युबिलिटी अभी बना हुआ था सैचुरेटेड होने के लिए। लेकिन सॉल्युबिलिटी बढ़ा दिया जाए अगर, जैसे मान लीजिए कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में चीनी शुगर ने पहले नहीं मिल सकता था, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा देने पे उसमें और ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स आने के लिए कैपेबल हो जाता है। लेकिन अगर धीरे धीरे हम उसको ठंडा करें, तो अब उसमें चीनी मिलने लग के लायक वो नहीं रहेगा, यानी कि अगर तापमान धीरे धीरे कम करें तो सॉल्युबिलिटी घटती है, और अगर तापमान बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अगर सॉल्युबिलिटी घटती है तो हम लोग को मिलेगा सॉल्यूशन मोस्ट
सैचुरेटेड, क्या मिलेगा? मोस्ट सैचुरेटेड। लेकिन अगर सोलिबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड फिर से। तो यहाँ पे समझना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल के बेसिस पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें सॉलिड पार्टिकल का परसेंटेज कितना है इस सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का परसेंटेज और कंसंट्रेशन कितना होता है। और इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग जनरली फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो फॉर्मूला और कुछ नहीं, बस हम लोग को कॉमन सेंस से अप्लाई करना होगा। जैसे अगर किसी सोल्यूशन में ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो सॉलिड पार्टिकल्स मान लीजिए कि ये पूरी तरह से 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें ये 25 ग्राम इसका वजन है। तो जाहिर सी बात है पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम और उसमें सॉलिड पार्टिकल्स 25 ग्राम, तो इसका कंसंट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पूरा सॉल्यूशन का डिनोमिनेटर बनाएंगे और जो सॉलिड पार्टिकल्स है 25 ग्राम वो न्यूमरेटर बनेगा और 100, यानी कि इसमें ये कितना परसेंटेज है? 25%, इसका कंसंट्रेशन। तो फॉर्मूला हम लोग यहीं से निकालते हैं कि अगर सॉल्यूशन सॉल्यूशन दिया हुआ है फॉर गिवेन सॉल्यूशन, अगर परसेंटेज ऑफ किसी भी चीज का, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम भी हो सकता है, परसेंटेज ऑफ मास भी हो सकता है, तो हम केवल परसेंटेज लिखते हैं। आपको वहां पे क्वेश्चन पे अपने आप समझ में आ जाएगा क्या रखना है। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या हम लोग परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूट पार्टिकल। इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कंसेंट्रेशन? तो हम लोग जनरली से बात करते हैं, सॉल्यूशन का जितना होगा मासेस या वॉल्यूम जो भी लेंगे, मास या वॉल्यूम दोनों में से कोई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर बन जाएगा, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। ये फॉर्मूला समझ में आया? मास अगर लेंगे तो नीचे भी मास लेना होगा, वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम भी लेना होगा। तो फिर से हम लोग एक बार इसको एज ए क्वेश्चन ही समझते हैं। ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाई मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये फॉर्मूला हो गया परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूट। ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है। तो एक क्वेश्चन है, आप पेज नंबर 18 देख सकते हैं, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। इसमें तो सॉल्यूशन दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन है उसमें 320 ग्राम उसमें सॉल्वेंट है यानी कि वाटर, और 40 ग्राम एक साधारण नमक यानी कि NaCl जो सॉलिड पार्टिकल्स है। तो विलयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? तो कंसंट्रेशन का अभी हम लोग बात किए थे, कंसंट्रेशन इक्वल टू यानी कि परसेंटेज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स वाला बात किया जा रहा है। तो उसमें 40 ग्राम नमक है, 40 ग्राम आपको न्यूमरेटर ले लेना है, और विलायक यानी कि सॉल्वेंट कितना है? 320 ग्राम। लेकिन आप ये याद रखिए पूरा सॉल्यूशन का हमको लेना है, तो 320 प्लस 40 इंटू 100, क्योंकि हम नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का लिए थे, 40 बाई 360 इंटू 100, 10 यहाँ से कटा और 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 10 10 100/9 का आपका ये वैल्यू आया, तो इसका परसेंटेज 11.11% आ जाएगा।
नेक्स्ट है सस्पेंशन यानी कि निलंबन। हम लोग निलंबन अब देखते हैं। ठीक है, निलंबन एक हेटरोजीनियस मिक्सचर है जहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो प्रेसिपिटेट बनता है या सस्पेंडेड मोड में होता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से घुला नहीं है। तो हेटरोजीनियस मिक्सचर है ये, इस तरह का कैसा मिक्सचर है, हेटरोजीनियस मिक्सचर। ये पूरी तरह से घुलता नहीं है, जिसमें उसको एक अलग तरह से घुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरल वे में नॉर्मल टेम्परेचर में वो सॉलिड पार्टिकल्स को घुला नहीं पाता, उसमें सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है। इसका एग्जांपल अगर देखें तो कोलाइडर सॉल्यूशन हम लोग ले सकते हैं। कोलाइडर सॉल्यूशन यानी कि वो सॉल्यूशन भी है और कोलाइडर भी है यानी कि सस्पेंशन भी है, तो एक तरह से होमोजीनियस है लेकिन वो पूरी तरह से क्या है, हेटरोजीनियस। हम लोग इसलिए हम लोग कहेंगे कोलाइड्स। ठीक है, तो कोलाइड्स एक निलंबन का यानी कि सस्पेंशन का एग्जांपल है, यानी कि कोलाइड हेटरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, उसमें सॉलिड पार्टिकल पूरी तरह घुले हुए नहीं होंगे और उसमें सॉलिड पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट बनते होंगे या सस्पेंडेड मोड में होते होंगे। इनके कण आकार में छोटा होते हैं इसलिए वो सामान्य मिश्रण के जैसा दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो हेटरोजेनियस मिक्सचर हैं, जैसे दूध, बादल, कुहासे, ये सब सारे क्या हैं, हेटरोजेनियस मिक्सचर। छोटे कण होने के कारण सॉलिड पार्टिकल्स को हम इसमें देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश को इतने ज्यादा प्रकाशित करते हैं कि इसके जो नेचर होते हैं, कलर या कुछ भी जो नेचर खास फिजिक्स को कैरी करते होंगे, तो वो सारे दिखते हैं नाइट आई से। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि प्रकाश सोर्स अगर इससे गुजरते हैं तो लाइट पास होने नहीं देते हैं, ये अपने ही सॉलिड पार्टिकल्स का नेचर क्या होगा इसमें कि एक दूसरे से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते चले जाएंगे और प्रकाश फैल जाएगा, स्कैटर कर जाएगा। तो वहां पे एक इफेक्ट आता है जिसका नाम हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ये शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। कौन शो करते हैं, कोलाइड्स। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है कि व्हेन अ लाइट गोज थ्रू द कोलाइड सॉल्यूशन देन द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइड विल रिफ्लेक्ट बैक द लाइट। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट बिकॉज वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट एनालाइज द रूट ऑफ लाइट वेयर द लाइट इज गोइंग। ओके, तो इस तरह से हम लोग प्रकाश फैलने का ये जो घटना है इसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये जनरली हम लोग का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में दिखेगा, दूध में दिखेगा, और जंगल में हम लोग जाते हैं तो जंगल का कुहासा भी बहुत अच्छा से टिंडल इफेक्ट दिखाता है। टिंडल इफेक्ट में हम लोग एक यही बता देना चाहते हैं, टिंडल इफेक्ट एक्चुअली है क्या कि एक घर में जैसे धुआं हुआ भर जाता है स्मोक, और यहाँ पे एक होल हम लोग क्रिएट करते हैं, सूर्य यहाँ है तो सूर्य का रोशनी इससे पड़ता है तो ये धीरे धीरे करके फैल जाता है पूरी तरह से, तो ये टिंडल इफेक्ट ही है, यानी कि एक कॉनिकल वे में जा करके एक बड़ा सा लगता है कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे वो लाइट आ रहा है और वो फैल जाता है पूरी तरह से रूम में, तो ये टिंडल इफेक्ट है। दिस इज टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था। बहुत सारे कोलाइड्स हैं जैसे ह्यूमिडिटी, ह्यूमस जो होता है, कोरा, मैंने ह्यूमस गलत बोला, बहुत सारे हम लोग के सामने कोलाइडल सॉल्यूशन का उदाहरण है, कोहरा, बादल, कुहासा, स्मोक, फिर निथार यानी कि एग्जॉस्ट जो भी धुआं बाहर निकलता है ऑटोमेटेड व्हीकल से, सेवी क्रीम, दूध, फेस क्रीम,
मैग्नीशियम मिल्क, ये सब सारे कीचड़ वगैरह जितने भी हैं सब सारे कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइड का अगर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम लोग देखते क्या है कि ये हेटरोजेनियस मिक्सचर है, जितना भी सस्पेंशन का प्रॉपर्टी आ जाएगा सब कोलाइड में यूज हो जाएगा। ये फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक विशेष विधि जैसे कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा करके इसमें हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स अलग और इसमें वाटर अलग कर सकते हैं। जैसे हम लोग पनीर निकालते हैं तो पनीर निकालने का मेथड हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे मक्खन कहते हैं, बटर, जैसे पहले के लोग मथते थे तो मथने को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करना, सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जितने भी हैं तो ये डिस्पर्स फेज में और डिस्पर्सन फेज से बनता है, डिस्पर्सन मीडियम से बनता है। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स का कंपोनेंट्स की तरह यूज होता है। ऐसा ये होता है कि जब कोई लाइट सॉलिड पार्टिकल से टकराता है उसके सॉल्वेंट से आते हुए, तो सॉलिड पार्टिकल्स उसको डिस्पर्स कर देता है और डिस्पर्स करने के कारण वो डिस्पर्सिव मीडियम के थ्रू वो पूरा प्रकाशित हो जाता है, अपने आप को फैला देता है चारों तरफ वो लाइट, तरह से निलंबन टिंडल इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन और मिक्सचर। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।